अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारे YouTube चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स कश्मीरी, चैप्टर नंबर BI6 है और इस चैप्टर का नाम है चार्ट। चार्ट का अगर हम बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ये होता है मजाक या कोई ऐसी बात जिसपे हंसी आ जाए या जिसे हम सिंपली जोक वगैरह जो है जोक बोलना, ठीक है, मजाक करना, तो ये हम इसे कह सकते हैं। कोई ऐसी बात जिसपे मजाक आए, हंसी आए या कोई ऐसी बात जो जोक वगैरह हो, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इससे पहले के सारे वीडियोस जो हैं चैनल के अपलोड कर दिए जा चुके हैं, और अगर इससे पहले के वीडियोस आपने अच्छे से नहीं पढ़े हैं या अच्छे से नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे वीडियोस जो है आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले देखते हैं कुछ मुश्किल अल्फाज। येडल, येडल का मतलब होता है जिसका पेट बड़ा हो, यानी कि ज्यादा खाने वाला। सब सालगन हंस जमात या अक्सर बेशतर कशीर में सब इस पर इस्तेमाल करने, जैसे हम कहते हैं कि सब मत दे सके मो, सब का मतलब होता है जैसे खाना मत खिलाया सब लोगों को। गुतल को ज्याद या ज्यादा होना, ठीक है। छरा को सिर्फ, जग को शरारत करो, ठीक है। चोर को बेअकल, तो इत पोट गो जिसे हम कहते हैं दुविर का मतलब, दो देर का मतलब होता है बेसिकली यहां पे अगर देखोगे आप तो डबल ताकत रखने वाला, दोगन जिसे हम कहेंगे, ठीक है, दो देर। त्रंग अरसर करें यानी कि शैतानियां ज्यादा करना, नॉटी हो जाना। नूज गई चश्मो सहित कोइंस हावन या इशार करन कोइंस कौन, ठीक है, चलना नूज करन। त्रोप को क्वेश्चन पढ़ें टेब दिन, अगर कहीं से कपड़ा कटा हुआ है तो उसको हम जब टैब देते हैं तचवना त्रोप दिन। इतपट को मेंड, ठीक है, खाने का जो निवाला हम उठाते हैं ना, खाने के निवाले, तचवना मेंड। सालर गए सालरन हंस, जिसे हम कहते हैं सालर, यो दावत पे हम जब किसी को बुलाते हैं मेहमान पे, शादी पे आने वाले लोगों को सालर कहा जाता है, ठीक है। इतपट को विश्वस का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, ठीक है, जल्दी जल्दी कोई काम करना। तो लफ्ज में फिर से रिपीट करूंगा, जब हम लेसन में ये इन लफ्जों को कहीं पे भी देखेंगे। गोडन्यूक चार्ट स्टार्टिंग मंस येडल, दपान आख येडला गो एक दो सालस, कहा जाता है कि एक ज्यादा खाना खाने वाला एक आदमी किसी जगह किसी शादी की तकरीब में या किसी शादी की दावत में जो है चला जाता है। निचो तुलुम सर्ट, उसका जो बेटा होता है उसको भी उसने साथ में उठा लिया, क्या करन काम, दपान अख यरला गो एक दो सालस, एक ज्यादा खाना खाने वाला आदमी एक साल पे चला जाता है। निचो तुलुम सर्ट, इसका मतलब होता है कि अपने बेटे को भी साथ में उठा लेता है। सब मज इस वारिया जान जान सालर थे, अब जब ये लोग बैठे हुए थे ना सालवेन हजरत जमात उस, इस सब के दौरान उस फंक्शन में या उस दावत में या उस इनविटेशन में बहुत अच्छे अच्छे इज्जतदार और बड़े बड़े लोग जो थे वो बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, येल पचन बत त्रोक येडल सिंद मल, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि मुझे अच्छे से दिख जाए। हाँ, येल पचन बत त्रोक येडल सिंद मल पत्थर येडल सिंद मल पत्थर लेग दोन त्राइमन, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि हमारे यहाँ कश्मीर में एक रिवाज है कि जब भी हम शादियों में खाना खाते हैं तो एक बड़ी थाली होती है और उस बड़ी थाली में एक आदमी एक तरफ बैठता है, एक आदमी एक तरफ बैठता है, एक आदमी एक तरफ बैठता है, एक आदमी एक तरफ बैठता है। फिर उस खाने शादी में जो है उसी थाली में सारा खाना परोसा जाता है, जो भी दावत वगैरह होती है तो सब लोग आपस में बांट मिलके खाते हैं, ठीक है, मिल बांट के खा लेते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहां बहुत सारे लोग था, बहुत सारे लोग थे पूरे इसमें, तो क्या हुआ काम कि ये जो मान के चलो एक एक जो बत त्रयम है वो यहाँ पे लगी हुई है, त्रयम कहा जाता है जो खाने की जो थाली होती है उसे त्रयम कहा जाता है। मान के चलो कि बेटा इस थाली में बैठ गया और जो आदमी था जो बाप था वो एक अलग थाली में बैठ गया, ठीक है, यानी कि ये दो अलग अलग जगह पे दोनों लग गए। अब क्या हुआ जब दोनों अलग अलग है, साल ओस मजदार, कहा जाता है कि ये जो दिया जो ये दावत थी ये बड़ी खूब थी, बड़ी मजदार दावत थी, ठीक है।
यडल ओस विस विस खेवान, इसका मतलब है कि यडल जो था ये बहुत तेजी से खा रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाना जो है वो खा सके। मैज मैज ओस निचोस कुंत नजर नजर दवान, और बीच बीच में क्या काम कर रहा था यडल, तो बहुत तेजी से खाना खा रहा था ताकि मैं इसी टाइम में लोगों से ज्यादा खाना खा पाऊं, और बीच बीच में मंज मंज को बीच बीच में अपने बेटे की तरफ भी एक बार देख रहा था कि कहानी में एक्चुअली हो क्या रहा है, वो क्या कर रहा है। यडल से नीचे ओस बत मिंड जोरा खवान तो पैठे ओस त्रेश दामा दामा चवान। यूस यडल से नीचे ओस, ये क्या ओस करा काम, ये जो इसका बेटा था ये क्या काम करता था, एक दो निवाले पेट में ठूसता था ऊपर से पानी, फिर से पेट में ऊपर से पानी, फिर से पेट में ऊपर से पानी। अब ये उसको बाप जो है देख रहा है ऐसा करते हुए। मोल ओसुस नूज करन, अब ये बाप वहां से उसे क्या कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना वो कहीं दूर पे बैठा हुआ है, ये यहां बैठा हुआ इच्छा में क्या चुका है ना, वो ये वाला कंडीशन है जो क्या चुका रहा त्रेश को चुक चुका है ना, ये कहानी कह रहा। बट एक्चुअली क्या है, मगर सु कह पूछा कैस, वो तो नहीं देख रहा था कि बाप मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। सो ओस येड बर्न उसकुन लोग मत, और वो भी किस में लगा हुआ था, आखिर बेटा किसका था, है ना, ये भी मसला है। आखिर यहां पे भी लिखा हुआ है आखिर नीचो कुहन ओस, ठीक इतने पढ़ को बता बता खेत यल सालेर द्राई द्राई येडलन लय निचोस दुदर, यहां पे अगर हम बात करें दुदर थापेर तो वुन्नस। अब ये क्या हुआ, जब दावत वावत खत्म हो गई तो इसने अपने बेटे को एक जोर से तमाचा मारा, एक दुगना मतलब पूरी जिसे हम कहेंगे पूरी पावर से इसने एक शॉट मारा, ठीक है, हेड शॉट जिसे हम कहते हैं, वो खतरनाक वाला मारा इसने। अच्छा तो उसका एक्चुअली उसने मारा क्यों, उसके पीछे जो कहानी है वो आपको अभी मैं बताना चाहूंगा। तो वुलनेस हेलो, जिसे हम कहेंगे यहां पे अगर आप देख सकते हैं, अब इसने थप्पड़ किसकी वजह से मारा आपने, रीजन उसका यह था कि उसने बार बार उसे जब बेटे को देखा कि वो बार बार पानी पी रहा है, ज्यादा पानी पी रहा था, तो उसके बाद बोला, उसके बाद कहा कि हे बोला सिक्योज ओ सुख बत खेवान खेवान छरा त्रेश चवन, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने बेटे से कह रहा है वो बोला सिकेज ओ सुख खेवान खेवान ते त्रेश चवान, ठीक है, यानी कि क्या बवाई चुक, जिसे हम कहेंगे कि बार बार जो है आप पानी पानी पी रहे हो, और साथ में जिसे हम कहते हैं कोई भी जो और कोई ब्रेक ही नहीं दे रहे हो, आप नीचे खाना ठोस रहे हो ऊपर से पानी पी रहे हो। त्रेश दामा चे जाए वाई थे ना बत म्यूट, अब यहां से क्या कह रहा है कि तुमने इतना ज्यादा पानी क्यों पी लिया, क्योंकि जितने देश पेट में जितनी जगह पे पानी आ रहा है या पानी पहुंचेगा उस जगह तुम खाना खा सकते हो, तो कितना जबरदस्त स्कीम थी, है ना। अब इसने वाल वापस बाप से कहा मोयल मोयला चोर छुक, ठीक, बाप से कहा कि आप तो बेवकूफ हो, अब ये बेटे ने बाप से क्या कहा कि तुम तो बेवकूफ हो। नीचे उन्नस वदान वदान टाइठा मिना, जिसे हम कहेंगे टाइठा मिना तेरिया वन गलत, ठीक है, अब ये अपने बाप से कह रहा है कि टाइठा मिना करिया उन गलत किहिन त्रेश चिन से हचे येड मज बत तह बिहावन ते एचु गुतुल खेनियावन, क्या कहा कि मैं पानी इसलिए पी रहा था कि ताकि पेट में जो खाना है वो अच्छे से ताह में बैठ जाए, अच्छे से स्टैक हो जाए, और खाना खाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जगह जो है वो बच जाए, ठीक है। यूडिल मोइल, ठीक, अब क्या कहा लय एमस ब्याख थाई कर तुवनस तावन ज्यादा मित बन जहा ये छल बाके रूदस, ठीक, अब बेटे से क्या कहा वापस, बेवकूफ मुझे भी तो ये स्कीम बताई होती कि पानी के साथ जो है खाना नीचे बैठता है ऊपर से हम और खाना ठोस सकते हैं, ठीक है, तो वरना से होता वंदना मित मिन से आई छल बेफा के रूदस, कहा कि मुझे भी ये जो स्कीम थी पानी पीने की ये मुझे भी बताई होती, मैं तो इतना खाना खाने के बाद हालांकि उसने बहुत सारा खाना खाया था फिर भी कह रहे बेफा के रूदस, यानी कि मैं तो भूखा ही रहा। मोल पथरियल गर्व
ठीक है। अब जब दोनों घर पहुंचे तो बहुत ज्यादा दोनों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, क्योंकि एक्सेसिव फूड खाया था तो ऑब्वियसली दर्द तो होना था, और ऊपर से कश्मीरी वाजवान। यडलसंस खानदारिन वचक खेव यल बलाया अद क्या गैस हो। अब उसने क्या कहा, अब उसकी जो बीवी है वो उठ गई, दोनों को बेटे को भी और अपने हस्बैंड को भी, बोल रही है हाँ होगा ही क्या आप लोगों को, पैन ही तो होना है क्योंकि आपने इतना ज्यादा जो खाना खा लिया है। नीचो वोथस कैर मोजी छोप, क्या बोलना स्वापस, माँ तुम चुप करके बैठो, अगर चित सालस आ सक विनकस, अगर आज